तो सबसे पहले इसको हम मास और वेट को देखने से पहले दो शब्द के बारे में जान जाते हैं। पहले फोर्स, इसके बारे में आगे भी देखेंगे, अभी सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम बता रहे हैं। एक ग्रेविटी, ग्रेविटी। अब फोर्स जो है ना क्या होता है, पुल या पुश, पुल या पुश, मतलब कोई चीज़ को धकेलना या उसको खींचना अपनी ओर, या अपने ओर से यहाँ से दूरस्थ की ओर उसको धकेलना या खींचना, वो क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। पुल या पुश फोर्स कहलाता है। दूसरा ग्रेविटी, ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, अर्थ के द्वारा जो एक्सेलरेशन लगाया जाता है वो क्या होता है, ग्रेविटी। इसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है क्या, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो अर्थ का एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, 9 पॉइंट। इसको लगभग में कभी काल जो है ना 10 भी लिखा जाता है, 10 मीटर बटे सेकेंड। अगर क्वेश्चन में दिया रहता है कि 9.8 तो यही यूज किया जाता है, अगर नहीं दिया रहता है तो 10 लेके सिंपल कैलकुलेशन में होता है, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये आप लोग देख लीजिए दो शब्द, क्या फोर्स पुल या पुश, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ये इसको। तो हम अब आगे इसको समझने के लिए ये डिटेल देख लिए, इसके बाद आगे हम समझते हैं। दो शब्द को देखने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। ये मान के चलिए चिंटू है, चिंटू के बड़े बड़े बाल सब है, ये यहाँ पे वेट कर रहा है किसी का, यहाँ पे बैठ के इसका सब निकाल दिया, आंख आंख सब। अब देखिए यहाँ पे एक है मून, मून यहाँ पे अर्थ, अर्थ। अब देखिए चिंटू का जो है ना मास जो है ना, इस चिंटू का मास 10 kg है, कितना, 10 kg। अभी मास के बारे में आपको डिफिनेशन बताएंगे, पहले हम एग्जांपल के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, डिफिनेशन तो ऑटोमेटिक अपने से लिख लेंगे ना। तो क्या करते हैं, पहले इसको चिंटू का मास कितना है, 10 kg है। अब देखिए अर्थ का ग्रेविटी जो होता है ना, यहाँ पे 9.8 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर होता है। किसका ये ग्रेविटी होता है, अर्थ का होता है। अगर हम इसका देखें ग्रेविटी तो 1.67, इसका जी का वैल्यू, इसका कहाँ पे, 1.67 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर होता है ना, इतना 9 पॉइंट, इसको लगभग में 10 लिख दिया जाता है, तो लगभग 10। इसका 1.7 जो होता है, इसका लगभग में 1.62 भी लिखते हैं, 1.62 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर भी 6 to 7 कोई बात नहीं चलता है इतना वो। तो यहाँ पे कितना ग्रेविटी है इसका, जी का वैल्यू इसका मून पर कितना, 1.67। अब देखिए अर्थ और मून पे कितना अंतर है, मान के चलिए ये अर्थ है ना, यहाँ पे ग्रेविटी 6 है, तो ये मून हो गया, तो यहाँ पे 1 ग्रेविटी होगा। देखिए ये हो गया अर्थ, ये हो गया मून। अब देखिए ग्रेविटी जो होता है अर्थ पे, वो अगर 1 होता है 6 होता है, अगर अर्थ पे 6 होता है तो मून पे कितना होता है, 1 होता है। तो मून इसका ग्रेविटी इतना है, इसका ग्रेविटी इतना। मास तो 10 kg है ही, 10 kg। अब जो वेट जो निकाला जाता है, वेट वेट जो निकाला जाता है, वेट मास गुना एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, या मास गुना ग्रेविटी भी कह सकते हैं आप, मास गुना ग्रेविटी भी कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए कितना हो गया ये एम, एम कितना है, 10 kg, कितना, 10 kg। अब देखिए मल्टीप्लाई, अब हम यहाँ पे निकालें या यहाँ पे निकालें, सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कितना है इसका वेट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, 10 क्या है, मीटर बटे मीटर बाय सेकेंड, यहाँ पे तो कितना हो गया, 10 मीटर बाय सेकेंड। अब इसको जब हम गुना करें तो 100 न्यूटन। देखिए केजी, केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर होता है न्यूटन। अगर आपको यूनिट चैप्टर हम फिजिक्स में पढ़ाएंगे तो इसको एक आपको हम सही से बता देंगे कि इसका यूनिट जो है ना, आप लोग तब
देखिएगा क्या होता है, इचिंडू का मास कितना था 10 केजी, इसका वेट कितना हो गया, वेट 100 न्यूटन। अब इसका अगर कहाँ पे, अर्थ पे, अर्थ से वेट कितना है 100 न्यूटन। अगर हम मून पे इसका वेट निकालें, कहाँ पे, मून पे, तो क्या हो जाएगा, अगर मून पे हम वेट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है, इसका मास कितना है, तो क्या डब्ल्यू बराबर होगा एम गुना जी, वही ग्रेविटेशनल, जी का वैल्यू, तो एम का मान कितना है, एम का मान 10 kg, 10 kg गुना ये कितना 1.6, 1. कितना 1.62 m/s², तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम रहेंगे 16.2 न्यूटन हो जाएगा। अब बताइए ये चिंटू का वेट कहाँ पे, अर्थ पे कितना है 100 न्यूटन। चिंटू का वेट अर्थ पे कितना है 100 न्यूटन, लेकिन चिंटू का वेट कहाँ पे, मून पे, मून पे कितना है 16.2 न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए इसका चिंटू का वेट बदल रहा है लेकिन मास नहीं बदल रहा है, मास सेम ही है, मास नहीं बदल रहा है, मास नहीं बदल रहा है, मास जो है अमाउंट ऑफ पार्टिकल, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर, इसमें कितना मैटर भरा है, मास किसको दर्शाता है, अमाउंट ऑफ मैटर, और वेट किसको दर्शाता है, ग्रेविटी द्वारा कितना फोर्स लगाया गया है उसके अनुसार निकाला जाता। तो यहाँ से दो कंसेप्ट अगर हम निकालेंगे, दो कंसेप्ट निकलेगा, सबसे पहले मास जो निकलेगा, मास कभी नहीं चेंज होता है, मास जो रहता है वही, लेकिन वेट क्या होता है, ये जगह पर डिपेंड करता है, ये जब दूसरे प्लेस पर जाता है तो दूसरे जगह हो जाता है, दूसरे जगह जाता है तो दूसरे जगह हो जाता है, ये क्या होता है, चेंज होते रहता है, क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो हम इसी के कंसेप्ट से समझ के अब इसका कुछ डिफिनेशन लिखते हैं और इसमें कुछ डिफरेंस लिखते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। तो मास ऑफ ए सब्सटेंस स्टेंस द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। तो सबसे पहले एक नंबर में क्या हो गया, इसका मास जो है, इसका मास जो है, सब्सटेंस का मास वो क्या होता है, कितना इसमें मैटर होता है, कितना इसमें मैटर होता है उस पर ये डिपेंड करता है, कितना उस पर मैटर होता है। लेकिन अगर हम फोर्स का, इसका ग्रेविटी की बात करें, ये क्या होता है, वेट, वेट इज द फोर्स एग्जेक्टेड बाय ग्रेविटी, फोर्स वेट इज द वेट वेट इज द फोर्स। आपको फोर्स बताइए, हम पुश या पुल इज कॉल्ड फोर्स, तो इसके बारे में आगे भी देखेंगे, अभी तो सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो हम फोर्स के बारे में एग्जेक्टेड बाय ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें अगर देखेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, लेकिन ये क्या आता है, फोर्स, कितना फोर्स लगाया गया है, कितना फोर्स लगाया जाता है किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा, मतलब अर्थ के द्वारा कितना फोर्स लगाया गया, कितना एक्सेलरेशन इसमें लगाया गया है, कितना एक्सेलरेशन इसमें लगाया गया है। दूसरा अगर देखेंगे हम दो नंबर में इसका एग्जाम्पल, इसका SI यूनिट जो होता है क्या होता है, kg होता है, SI यूनिट इसका जो SI यूनिट होता है, दो नंबर SI यूनिट क्या होता है, के मास गुना kg, मास मतलब kg गुना m/s², इसको इक्वल टू हम न्यूटन भी लिखते हैं, कितना है इसका SI यूनिट, न्यूटन हो गया, मास इज ए स्टेटिक ऑफ ऑब्जेक्ट ये बदलता नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, ग्रेविटी
वेट वेट चेंज चेंज अकॉर्डिंग टू प्लेस। वेट क्या होता है? चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग टू प्लेस। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला अगर निकालना है एम गुना जी, मास गुना ग्रेविटी, तो मास का ऐसा यूनिट केजी और जी का ऐसा यूनिट मीटर बटर सेकेंड स्क्वायर। जब इसको हम गुणा करेंगे तो इसको न्यूटन लिखा जाता है, तो इसको गुणा करने के बाद न्यूटन लिखा जाता है। तो ये कुछ इसके इसमें अंतर है। तो आपको हम एग्जांपल भी बता दिए जिसको यूज करके आप निकाल सकते। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई कितना तो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस स्पेस ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाई बाय ए सब्सटेंस बाय एक सब्सटेंस। अब देखिए वॉल्यूम जो है ना कितना उसमें अमाउंट कितना उसमें जगह वो छेकता है स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। इसको देखने से पहले एक हम कंसेप्ट के साथ देख लेते हैं वॉल्यूम के किस तरह से। ये मेरे पास वर्ग है, एक और दूसरा वर्ग है, हम इस दोनों को आप देखिए वॉल्यूम निकालेंगे तो इसमें कितना जगह है, इसमें कितना जगह है किसी चीज का रखने के लिए, सामान को रखने के लिए इसमें कितना जगह है उसी को कहते हैं हम वॉल्यूम। मतलब देखो इसमें इसका लेंथ अगर निकालेंगे कितना है, मान के चलो इसका भुजा साइड का जो है ना ए है, इसका भी साइड ए है, ये भी ए है, ए है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए गुना ए गुना ए, तो ए गुना ए गुना ए, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। मान के चलिए ये मीटर में दिया है, ए मीटर, ये भी ए मीटर, ये भी ए मीटर। अब देखिए ये मीटर यहाँ पे लिखेंगे ए मीटर, फिर ए मीटर, फिर ए मीटर, तो ए मीटर गुना ए मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यों हो जाएगा। तो इसका एसआई यूनिट क्या हुआ, एसआई यूनिट मीटर क्यों हो जाएगा। इसका साइड का अगर हम फॉर्मूला लिखा ले तो वॉल्यूम का। अब हम डेंसिटी के बारे में देखते हैं, डेंसिटी डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, इसको क्या कहते हैं हिंदी में घनत्व भी कहते हैं। डेंसिटी को कितना किस चीज़ में कितना घनत्व है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। तो इसको आगे हम चर्चा करते थे। अब मास और वॉल्यूम देखते हैं, मान के चलिए यहाँ पे 40 केजी का केजी राइस है, राइस है ठीक है, 40 केजी राइस है। अब यहाँ पे एक क्यूब है जिसका लेंथ और विड्थ और हाइट सब दिया हुआ है, इसका देखिए यहाँ से यहाँ तक हाइट इसका दिया हुआ है 2 मीटर, इसका भी दिया है 2 मीटर, इसका भी हाइट यहाँ पे है कितना 2 मीटर। अब देखिए वॉल्यूम अगर इसका निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम, ये इसका गुना हो जाएगा 2 2 2, तो भुजा भुजा का क्यूब हो जाएगा, अगर 2 का हम 2m का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8m³ हो जाएगा, 8m³ कितना इतना इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखिए मास कितना है, ये क्या है अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर यहाँ पे ऑफ लगा लीजिए आप लोग, अमाउंट ऑफ मैटर, तो अमाउंट कितना, ये मास कितना है 40 kg अपॉन 8 meters मीटर क्यूब। अगर इसको इसको हम ऊपर नीचे देखेंगे तो 5 kg मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 m³ में जो है ना 5 kg आटता है, 1 m³ में 5 kg आटता है। अब देखिए इसमें अगर हम मास को बढ़ा देते हैं
यहाँ पे मास 40 है, तो यहाँ पे हम 40 की जगह जो है ना हम 80 कर देते हैं, 80 kg, 80 kg अपॉन 8 मीटर मीटर क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 10 इक्वल टू 10 kg मीटर क्यूब। अब जो है ना 1 मीटर क्यूब में जो है ना 1 मीटर क्यूब में कितना कितना आटा, 5 kg। अगर हम मास को बढ़ाए तो ये क्या हुआ, इसका डेंसिटी जो है ना बढ़ गया, तो इसमें क्या होगा, मास को बढ़ाने पर डेंसिटी इसका बढ़ जाएगा। अगर हम मास को नहीं बढ़ाएंगे, मास को कांस्टेंट रखेंगे और हम वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो इसका डेंसिटी जो है ना फैल जाएगा, मतलब उतना कसा हुआ नहीं लेगा। डेंसिटी का मतलब यही है कि जितना उसमें कितना कंस्ट्रक्शन है, कितना भरा हुआ है, वो कितना करक्ट है वो, ठीक है। तो टेम्परेचर के बारे में देखते हैं, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर क्या बताता है कि टेम्परेचर कोई बताता है कि कोई वस्तु जो है कितना हॉटनेस है, हॉटनेस और कितना कोल्डनेस है, मतलब कितना वो गर्म है, कितना वो ठंडा है, शीतलता है। तो इसको हम देखने से पहले देखते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस को, ये टेम्परेचर बताता है। तो टेम्परेचर ये जो है केल्विन सेल्सियस फ़ारेनहाइट, ये सब जो है ना इसका क्या है, टेम्परेचर को मेजर करने का डिवाइस है, क्या सेल्सियस केल्विन और फ़ारेनहाइट, ये सब टेम्परेचर को मेजर करने का डिवाइस है। अगर हम देखते हैं यहाँ इंडिया में जो है ना ज़्यादातर केल्विन और सेल्सियस को यूज किया जाता है, लेकिन हम अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका या ब्रिटेन में, वहाँ सब जो है ना हमेशा फ़ारेनहाइट को यूज करता है। तो हम देखते हैं ये एक मेन इसका डिवाइस है मेजर करने का टेम्परेचर को। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये सेल्सियस जो है ना, सबसे पहले इसको 0 डिग्री से स्टार्ट किया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू पता है, मतलब सेल्सियस का वैल्यू पता है, तो हम केल्विन कैसे निकालेंगे और फ़ारेनहाइट कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला है केल्विन निकालने का, सबसे केल्विन इक्वल टू होता है कितना, 273.16 प्लस डिग्री सेल्सियस, कितना सेल्सियस दिया रहता है वो इसमें क्या होता है, जुट जाता है। ये होता है केल्विन निकालने का फॉर्मूला। तो अगर इसे यहाँ से हम सेल्सियस निकालेंगे तो क्या होगा, जितना इतना में से केल्विन को माइनस कर देंगे तो सेल्सियस। तो यहाँ पे अगर 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री पर अब हम यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे तो 0 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 273.16 केल्विन होगा। अब देखिए, अब तो हम केल्विन निकाल लिए, अब दूसरा है फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट को भी निकालने का फॉर्मूला होता है, कैसे, देखिए फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है फ़ारेनहाइट 9 अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 प्लस कितना 32, ये किसका होता है, ये फ़ारेनहाइट निकालने का फॉर्मूला। तो फ़ारेनहाइट इसमें सबसे पहले हम फ़ारेनहाइट इसको निकालेंगे। अगर फ़ारेनहाइट निकालने के लिए पहले क्या, सेल्सियस का मान है 0 डिग्री, अगर हम इसमें 0 डिग्री रखते हैं तो ये क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 0 इसमें गुना करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। फ़ारेनहाइट का मान कितना आ जाएगा, 32, इसका 32 फ़ारेनहाइट। अब बताइए इसमें कोई डिफिकल्ट है, अब हम जब 0 डिग्री पर निकाले तो ये भी निकल गया और इसका भी ये भी निकल गया। अब देखते हैं रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसी के जब निकालें यहाँ पे 25 हम इसमें ऐड करें, इसमें जब हम ऐड करेंगे 25 तो कितना हो जाएगा, 298 point something, तो इसका हो जाएगा कितना, यहाँ पे 298.16 केल्विन, इसका कितना हो जाएगा, 298.16 केल्विन हो जाएगा। इसी में अगर हम इसमें 25 देते हैं फ़ारेनहाइट में निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 अपॉन 9 अपॉन, पे सेल्सियस का मान कितना है, तो यहाँ से फ़ारेनहाइट निकालते हैं कितना, 9 अपॉन 4 इक्वल टू, मतलब 9 अपॉन 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, सेल्सियस का वैल्यू, सेल्सियस का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 प्लस 32। अगर इसको हम कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा, टोटल को कैलकुलेशन करेंगे तो
इतना, और इसके बाद 225 हो जाएगा प्लस AHR हो जाएगा, लगभग 77 फ़ारेनहाइट के नियर अबाउट होएगा। तो ये कितना हो गया, हो जाएगा यहाँ पे 77 फ़ारेनहाइट। तो हम जब ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, नॉर्मल बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी जो है ना, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है सेल्सियस में, 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसी को यहाँ पर फिर सेल्सियस निकालेंगे, हम फिर इसका फ़ारेनहाइट में निकालेंगे, तो इसी तरह हम निकालते जाएंगे। अगर हमको केल्विन पता चल गया और हमको सेल्सियस पता नहीं है, तो केल्विन पता चल गया, सेल्सियस निकालना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से सेल्सियस में से इसको उस साइड भेजेंगे, माइनस में आ जाएगा, हम केल्विन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हमको फ़ारेनहाइट पता करना है और हमको केल्विन दिया है, तो फ़ारेनहाइट कैसे पता करेंगे, जैसे फ़ारेनहाइट एफ इक्वल टू 9/4 इक्वल डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर हमको यहाँ पर सेल्सियस नहीं दिया हुआ है, अगर केल्विन दे दिया, तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सेल्सियस है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर हम देखेंगे तो सेल्सियस को जाए केल्विन में बदल लेंगे, उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे, नहीं तो दूसरा काम क्या, हम डायरेक्टली उसी को वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू 9/4 सेल्सियस, सेल्सियस का वैल्यू यहाँ से अगर निकालेंगे तो हम उधर उसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसको तो उसका वैल्यू यहाँ पे भर के हम निकाल लेंगे। अगर इसका पूरा डिटेल में हम नोट्स बना के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वेबसाइट पर आकर के नोट्स ले सकते हैं। नमस्ते।